पड़ेंगे। गाड़ी बहुत सॉफ्ट है भाई चलाने, मेरी फॉर्चुनर से ज्यादा सॉफ्ट है। स्टीयरिंग तो बहुत ज्यादा लाइट है और सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। देखा लोन बता दिया गड्ढे में आती है गाड़ी को। हाई तो देख इसको, हम अब डाल के टेस्ट करते हैं फोर लो में। देखो पैच तो कोई खतरनाक हमें मिल नहीं रहे, अभी चेंज हो जाएगी, फोर लो में चली गई तो नॉर्मल बहुत बढ़िया। देखो पिकअप देखो गाड़ी का ना, थर्ड गियर में उठ रही है तो नहीं बढ़िया, ये सेकंड के थोड़े थर्ड में उठ रही है तो नहीं बढ़िया। ओ भाई हाँ, तो भाई क्या हाल चाल है। अभी तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत और नहायत ही बदतमीज इंसान दिखाने वाला हूँ। हाँ भाई सागर भाई, इसे बंद कर इसे भाई। रील बना रहा अपनी और गाड़ी जो है ना, वो जो स्क्रीन की प्रॉब्लम है तुम्हें पता ही है, बैक गेट डालने के बाद भी नीली पड़ जाती है। वो ठीक करवाना आया हूँ शोरूम पे, सर्विस सेंटर नहीं आया आज मैं। उन्होंने मुझसे कहा था ना यार देखो अंकल जी देख रहे हैं इस बार, पता नहीं क्या जुगाड़ है क्या नहीं है, डब्बी वब्बी खोल रखी है इसकी पूरी और अपनी गाड़ी बिल्कुल ये लगा लो चोरे बहुत सारे। अब तो कोई नहीं, करवाएंगे बाद में ना, इसमें डिटेलिंग करवा लेंगे रुक के। भाई अंकल जी का कहना ये है कि हमारी गाड़ी का स्क्रीन एबल डिसेबल, पता नहीं क्या कह रहे हैं अंकल, हमारे समझ में आ नहीं रही। इन्होंने भी कह दिया वापस सर्विस सेंटर ले जाओ, तो ये चक्कर चलते रहते हैं हमारे। अब इन्होंने एक भैया से बात कराई, उन्होंने कहा मेरी बात करा देना सारा काम करवा दूंगा। चलो भाई मैं देखते हैं, बाकी देखते हैं अगर स्कॉर्पियन की टेस्ट ड्राइव लेके चाहिए। हाँ भाई लेगा टेस्ट ड्राइव, तू ही लेगा मैं लूँगा। चलो भाई ये तरह आता जाता ना, जब कैमरा खुला देख लेता ना जान पूछे करता ड्राइव भाजी। चलो भाई बैठते हैं इसके अंदर, बाइक भी ऐसे खड़ी कर रखी है, जगह नहीं बच रही जरा सी भी। सीट बहुत कंफर्टेबल है यार इस गाड़ी की, मैं कह रहा हूँ हमारी फॉर्च्यूनर की भी नहीं है ऐसी, जितनी कंफर्ट मुझे इसमें ऐसा लग रहा है। लग रहा है कि 1200 किलोमीटर ऐसे चला लेंगे गाड़ी, बहुत प्यार से इनकी गाड़ी चली है 5500 किलोमीटर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये है मैनुअल 4x4 है ना, दो मॉडल है। स्टार्ट की नहीं हो रही है, अच्छा साइलेंट भी बहुत है गाड़ी ना। अच्छा आगे छठा गियर है, ये पहला लग गया, वो उठा के लगेगा। अरे बंद हो गई गाड़ी हमसे तो, उठा के लगेगा नहीं, लग गया वो तो। गियर सिस्टम वही है थार वाला, एक सी में भी यही आता था पहले। राइट तेरा अब्बा बंद करेगा भाई, लाइट तो बंद कर दे गाड़ी की, बटन दबा ऊपर वाला। हाँ हो गई भाई, गाड़ी है ना टॉर्क अच्छा, गाड़ी का क्लच छोड़ते एकदम उठ रही है गाड़ी, बंद नहीं करेगा तुझे। चार सब्सक्राइबर हैं मेरे। देखो भाई ऐसे कह रहा है चार सब्सक्राइबर है, चार के आगे कुछ हजार लगाने पड़ेंगे तुझे, मतलब कि चार के आगे नहीं ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे। गाड़ी बहुत सॉफ्ट है भाई चलाने, मेरी फॉर्चुनर से ज़्यादा सॉफ्ट है। स्टीयरिंग तो बहुत ज़्यादा लाइट है और सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। देखा लोन बता दिया गड्ढे में आती है गाड़ी को, कह रहा सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। अरे वाह ये तो पता ही नहीं चला, असल में यार हर गाड़ी का अपना फील है। अरे ये तो मैनुअल चला रहा हूँ मैं, मैनुअल 4x4 जो चलाने मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। शीशा साफ कर लेते पहले थोड़ा सा, पानी भी नहीं है, चलो कोई नहीं पानी नहीं डाला लोगों ने। गाड़ी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं गाड़ी की पावर देख रहे हो, गाड़ी की बेइज्जती क्यों होने देंगे यार, हम एसयूवी लवर हैं खुद, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये भाई वो लीकेज वाला सनरूफ जैसे पानी निकल जाए इसका, जो बंदे बताते हैं भाई हर बार। भैया आप अपना नाम बता दो, क्या नाम है आपका? विशाल भाई। विशाल भाई ने हमें टेस्ट ड्राइव दिलाई है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का। अभी गाड़ी के थोड़े चला के बताते हैं आपको कैसी है कैसी नहीं। सागर भाई गाड़ी कैसी है? गाड़ी बढ़िया है, शीशा ऊपर करोगे अगर शीशा खुलता मुझे लग रहा है ऐसा। स्विफ्ट बेच के ही लूंगा, स्विफ्ट बेच के ही लोगे। लेकिन भाई गाड़ी बहुत बढ़िया, देखो पिकअप देखो गाड़ी का ना, थर्ड गियर में उठ रही है इतनी बढ़िया, ये सेकंड की थर्ड में उठ रही है इतनी बढ़िया। ओ भाई गाड़ी देख रहे हो कितनी स्टेबल है, जबरदस्त स्टेबल गाड़ी है। क्या रोल, बॉडी रोल नहीं है, पुरानी वाली स्कॉर्पियो की तरह। हाँ वो वाला वो झोल नहीं है, बल्कि बढ़िया चिपक के चल रही है गाड़ी ना पूरी। अरे वो कुछ चला ले, स्टीयरिंग और लाइट है इस वजह से और मजा आ रहा है भाई। मेरी टेस्टिंग तो ऐसी होती है थोड़ी खींच की गाड़ी, जब तक खींचू ना तब तक मजा नहीं आता गाड़ी को ना। एक ही है बड़ा यूट्यूबर हमारे साथ बैठा सागर भाई, अभी चैनल नहीं खुला वो बात अलग है भाई। गाड़ी में डुअल एसी है, यानी यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग तुम ना एडजस्ट कर सकते हो इन दोनों से, ये मेरा एडजस्ट करने का, ये सागर भाई का एडजस्ट करने का। वी आई पी गाड़ी है पूरी से कहते हैं भाई, अंदर इंटीरियर बड़ा खूबसूरत है गाड़ी का,
दिल खुश हो गया। नहीं अगर ये मुझे कोई कहना इसमें लद्दाख जाना है भाग के जाऊंगा, ऐसा इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है। और सबसे अच्छी बात ये वाला मॉडल तो एक तो मैनुअल है वो बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात है ये अपना भाई 4x4 है। लद्दाख तो मैं बुलेट पे भी चला जाऊंगा। अरे तो कहीं में नहीं आने का, इतने साल से हम खींच रहे थे ये चल दे चल दे। वैसे तुम्हें बता दूं इस बार जब ट्रिप पे सागर भाई ने आ कर रखी भाई चलेगा आ, तो भाई लद्दाख में सागर भाई मिलेंगे इंशाल्लाह तुम्हें हमारे साथ पूरी ट्रिप पे। प्लेन आ रही है गाड़ी में ज्यादातर भाई, क्या आ रहा है इसमें, तो टायर इसके लो प्रेशर हो रहे हैं, गाड़ी बार बार बंद हो जाती है मेरे से। नहीं थोड़ा मैं लाया हूँ ऑफ रोडिंग के लिए देखने के लिए। हाँ गाड़ी फील कर रहे हो गड्ढे, मतलब हमें इतने महसूस हो नहीं रहा भाई जितना होने चाहिए ना, और काफी बड़े बड़े गड्ढों पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी को भी। गाड़ी बहुत सही चल रही है, एकदम टनाटन चल रही है गाड़ी। अभी आगे देखते हैं थोड़ा बहुत बैच बनता है ना, ना यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, अभी 4x2 में चलेगी गाड़ी। अब ऐसे थोड़ा बिना मतलब बिना यूज के मैं डालू 4x4 आई, जब गाड़ी अभी चल रही है उसमें जो चलती रहेगी ना ना बैठाएंगे, टेंशन के ले रहा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ऐसा। भाई सारे में चला के देख लिया, यहाँ तो ऑफ रोडिंग के लिए तब बढ़िया थी ये जगह जब अगर बारिश हुई होती है, यहाँ बारिश हुई नहीं तो कोई फायदा नहीं है गाड़ी घुसाने का, तो ऑफ रोडिंग का कोई मतलब बनता नहीं इस टाइम, गाड़ी बंद हो जाती जल्दी ना। तेरे पे चल नहीं रही। हाँ मैं तो अनाड़ी हूँ कोई बात बता रहा, कैमरा तो भाई किसी भी गाड़ी का अच्छा नहीं देती महिंद्रा, कैमरे सबके बकवास है इनकी गाड़ियों के। देखो भाई एक तो जहाँ कुछ मिलती है अगर 4x4 डालने को यहाँ पे तो देखते, नहीं तो फिर टेस्ट नहीं हो पाएगा आज। चलो पावर तो देख ही लेंगे, पावर का क्या ले लो में डाल, 4i में डालने तो पहले भाई 4i में, अबे यहाँ हाई में चला के देंगे ना, पहले लो में क्यों डाल रहा है, हाई में क्या फायदा है, अभी तो बंद हो गई गाड़ी हमसे। उस मड के अंदर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दिख रहा होगा तुम्हें नाले का पानी, दिखा देता हूँ तुम्हें ये देखो, बदबू आ रही है गाड़ी, लेकिन परफॉर्म अच्छा खासा कर रही है भाई। अरे इनकी गाड़ी मैंने फंसा दी ना टेस्ट ड्राइव की तो रुका हो जाएगा और स्मेल बहुत खतरनाक आ रही है यहाँ से। शीशा बंद कर ले यार। हाँ शीशा बंद कर लेता हूँ एक मिनट, चल बैल चुप यार, हाई तो देगी भाई इसको, हम अब डाल के टेस्ट करते हैं 4x4 में। देखो पैच तो कोई खतरनाक हमें मिल नहीं रहे, अभी चेंज हो जाएगी, 4x4 में चली गई तो नॉर्मल में हम ट्राई करें। ओ देख रहे हो वही टॉर्क देख रहे हो गाड़ी का, पर सेकंड लो में इसका टॉर्क दिखाता हूँ तुम्हें, देखो बेहतरीन वाला टॉर्क आ रहा भाई साहब। पर इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, इसका अगला और पिछला बम्पर वो टकरा जाता है, अगर इतनी स्पीड पर कहीं चढ़ाओगे ना तो बम्पर है टकरा जाएगा सीधा, क्योंकि अप्रोच और डिपार्चर एंगल बढ़िया नहीं है। चलो इसे नॉर्मल मोड में कर लेते हैं, नॉर्मल कैसे होगी, खुद ही हो गई ऑटोमेटिक। अच्छा उसे दबा देना दोबारा, वो ऑफ हो गया। चलो भाई अब चलते हैं इनकी गाड़ी लेके, बहुत इनकी गाड़ी रौंद ली भैया, कह रहे हैं गाड़ी लेनी है नहीं, गाड़ी रोनते नहीं। अरे ले लेंगे, लेने को कोई वो थोड़ी है, जरूरत नहीं है ना अभी हमारे, थोड़ी और कहीं टेस्ट करने का सागर भाई, नहीं चल रहे भाई, भूख लग रही बर्गर की लगा। अच्छा चल चलते हैं। जैसा कि भाई ये गाड़ी सिर्फ 5000 चली हुई है, मतलब गाड़ी का पिकअप भी देखो तुम, भाग दिखाता हूँ तुम्हें पूरी बढ़िया भाग रही गाड़ी, सीधा थाने पे लगा रहा, सीधा थाने पे लेके पूछा, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब क्या हाल है, फिर ये होगा वही बजा गियर के साड़ों ने अंदर ले आया गाड़ी, सीएनजी डलवा ले क्या बता दिए, फॉर्च्यूनर डलवाई थी सीएनजी तुमने। चलो भाई गाड़ी तो चला ली बहुत, अब गाड़ी लेके चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर, क्योंकि सर्विस सेंटर बंद होने वाला और भैया को भी घर जाना है अपने, हमने गाड़ी बहुत चला ली थी। सॉरी सर्विस सेंटर गया, शोरूम का सर्विस सेंटर गया था, सर्विस सेंटर का शोरूम गया था, हो जाता है बार ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है जिंदगी में ऐसा होता रहता है। तो देखो कितना शो कर रही है भाई, इसकी MID यहाँ से कंट्रोल होती है सारी की सारी, और ये तो वही है वॉल्यूम कंट्रोल और म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल, डीजल ये रहा ना हाफ टैंक है अभी, एवरेज की बात कर रहा है तू, 1850 डिस्टेंस ट्रिप पे आया तो नीचे एक मिनट रुक जाना, 5 मिनट में आ गया, पता नहीं भाई कहाँ से आएगा, 5 मिनट में आ लिया ये तो पता नहीं, लोंडे को भेज दिया गाड़ी हटाएगा, गाड़ी खड़ी करते हैं और चलते हैं यहाँ से ना सीधा घर की तरफ। स्कॉर्पियो हाँ तो सागर भाई स्कॉर्पियन कैसी लगी आपको,
यार देख गाड़ी मेरी वो बचपन से फेवरेट रही है। हाँ गाड़ी तो अच्छी है, अगर कमी भी होगी ना तो भी अच्छी है वो। अच्छी भाई मैं बताऊं गाड़ी चलाने में तो एकदम ऐसी बोली बहुत ही महंगी गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है सब चीज़ ओके है, बस मैं महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस जो है ना उसको लेकर होता हूँ और कोई मैं महिंद्रा की गाड़ी में कमी निकालता नहीं, सीधी सी बात होता हूँ भाई गाड़ी बहुत बढ़िया भाई पिंच गाड़ी एकदम पिंच। टू डेज लेटर हाँ तो भाई शाम के कितने बज गए 9 ही बज रहे हैं, मैं अब बातें कर रहा था इन लोगों से घूम रहे थे इधर उधर पैदल भी खूब चले, अपने मैं घर ही चलू, मैं कहा यार चल 9 बज के खाना वाना खाएं घर जाके, अब घर पहुँच के खाना खाते हैं और ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अब जाओ अपना काम कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।